जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित की जा रही मतदाता एक्सप्रेस बस को कलेक्ट्रेट प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता एक्सप्रेस बस द्वारा जनपद के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक एवं अन्य संदेशों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करेगा। इस दौरान रंगमंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साफ सुथरे छवि वाले प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाताओं को जागरूक का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र का महात्यौहार है, अधिक से अधिक लोगों को आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आगामी 19 मई को अधिक से अधिक संख्या में बूथों पर आकर अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों। इस अवसर पर SDM सदर प्रथमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा दोस्तों डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी से कि इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाए, उसको स्वागत करते हुए भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब शत प्रतिशत मतदान होगा। इस उद्देश्य को लेकर के यह एक्सप्रेस यहाँ पहुंची है। हम इस एक्सप्रेस के उद्देश्य को नमन करते हैं और सभी संकल्प लेते हैं कि केवल अपने ही मत नहीं देंगे बल्कि जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ लोगों को प्रेरित करेंगे और भारत माता इसको विश्व गुरु बनाने में, यशस्वी बनाने में, हम भारतीय लोकतंत्र में सुदृढ़ बनाने में मतदान करके, शत प्रतिशत मतदान करके अपने दायित्व को पूरा करेंगे। मैं स्काउट कमिश्नर आदरणीय अरुण सिंह जी का, जिलाधिकारी महोदय का, यहाँ सभी अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मीडिया के बंधुओं को जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अभिनव योगदान दे रहे हैं सभी को नमन करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय, चूंकि बहुत धूप है इसलिए सीधे जिलाधिकारी महोदय से आशीर्वचन के लिए निवेदन करेंगे। वैसे आप जानते हैं 19 मई हम लोग का महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे जो 5 साल के एक बार एक मौका मिलता है किसी लोग का अपने जो जिम्मेदारी निभाने के लिए, मैं आपसे अपील करने चाहता हूँ सभी जन, यहाँ तो तकरीबन 35 लाख हमारा मतदाता है, वोटर है, तो सब घर से बाहर निकालें और सुबह सवेरे 7 बजे से पोलिंग चालू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक चलता है। मैं जानता हूँ उसी दिन भीषण गर्मी रहता है, बट देश के लिए एक दिन आप नहीं दे पाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा इससे महत्वपूर्ण काम कुछ नहीं होता है। जरूर उसमें घर से निकालें, अपने मत का अधिकार का पूरा प्रयोग करें और हमारा जिम्मेदारी निभाएं, ये मैं चाहता हूँ आपसे। जय हिंद जय भारत। आधारित नुक्कड़ नाटक लेकर के, अरे हाँ, अरे सवाल लगी है जान से सुनना, जोरदार तालियां और शुरुआत होते ही ये देखिए इलेक्शन कमीशन जरिए से हम लोग का एक वाहन मिला है, एक तरफ से प्रचार वाहन है, एक मतदाता रथ कहते हैं उसको। आज ये गोरखपुर शहर में पूरा जगह इलाका में घूमेगा, उस पर पूरा टीम हमारा स्काउट का टीम है और नुक्कड़ नाटक का टीम लगी हुई है साथ। इसका मेन उद्देश्य यही है जो सारे जनता को जागरूक करना है, 19 मई का हमारा चुनाव का दिन है, उसी की याद दिलाना है, उनका कर्तव्य निभाने के लिए अपील कराना है, उसी दिशा पर आज उसको झंडा दिखाएँ, ये जा करके हर जगह ये अच्छा संदेश फैलाएंगे।